हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। लेकिन मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के शुरू से अंत तक बना रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के लिए। तो चलिए नंबर वन प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आदमी एक काम को करने में कितना दिन लगाता है? 15 दिन। वही काम दूसरा आदमी 10 दिन में ख़त्म करता है। तो अगर ये दो आदमी एक साथ मिलकर काम करे तो, शुरू से काम करे तो, वो पूरा काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगाएगा? तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो की शुरू से अंत तक बना रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो 20-20 का जो मेन पार्ट है आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हर यहाँ का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो का, इसलिए वीडियो का शुरू से अंत तक बने रहिए। कहीं पर भी आपको क्लू मिल सकता है, आप कोई हिंट कोई क्लू मत मिस कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते। तो क्या है क्वेश्चन नंबर वन गिवन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। सिमिलरली बी, दूसरा आदमी जो है, बी कैन डू द सेम वर्क, सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखिए, पहले वाला आदमी जो है ए 15 दिन में ये पूरा काम खत्म करता है। तो ठीक है, तो हर दिन में 15 दिन सोच लीजिए, महीना के 1 तारीख से वो 15 तारीख तक काम खत्म करेगा। ठीक है, तो हर दिन क्या करेगा, वो 1/15 पार्ट काम खत्म करेगा। ठीक है, दीजिए ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ 15 दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ठीक है, यहाँ से 15 दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 15 दिन है। हर दिन कितना काम करेगा ये, 1/15 पार्ट, आउट ऑफ 15 कितना काम करेगा, 1/15। 2 दिन में 2/15, 3 दिन में 3/15, ऐसे करते करते 15 दिन में कितना काम करेगा यहाँ, 15/15। देखिए यहाँ पे करेगा 1/15, यहाँ पे करेगा, दूसरा दिन में करेगा 2/15, ऐसे करते करते यहाँ पे 15/15 पूरा काम यहाँ पे ख़त्म करेगा। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी लॉजिक को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, मैं 20 में यूज करता हूँ। देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, और ये 15 दिन में पूरा काम खत्म करेगा, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/15 पार्ट, देयरफॉर इज 1 डे वर्क। ये एक दिन में कितना काम करेगा, आउट ऑफ 15 1 करेगा दिस पार्ट। ठीक है, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, देयरफॉर बी का भी 1 डे वर्क कितना करेगा, 1/10 पार्ट। देखिए, ये ए 15 दिन में काम कर रहा है और ए का 1 डे वर्क है 1/15, तो 1/15 को उल्टा करने से, रेसिप्रोकल करने से, ये कितना दिन में काम खत्म करके ए पूरा काम 15/1, दैट इज 15 डेज निकल जाएगा। बी का भी सेम है, बी पूरा काम 10 दिन में ख़त्म कर रहा है और बी का एक दिन का काम है 1/10 पार्ट, तो 1/10 को हम रिवर्स सॉरी रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10/1, तो बी पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, 10 डेज में ख़त्म करेगा, वो मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पे दोनों एक साथ में काम करना शुरू कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से कर रहा है, देयरफॉर नाउ यहाँ क्या करते हैं, ए और बी का 1 डे वर्क, ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करें तो 1 डे वर्क कितना होगा, देखिए 1/15, इसका ए का 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क। ठीक है,
ये दोनों को मैं अगर ऐड करूँ, फ्रैक्शन को ऐड करना, तो क्या एलसीएम कीजिए, 30 निकल जाएगा एलसीएम, 15 से 30 को 2 टाइम्स, 2 वन जा 2, 10 से 30 को 3 टाइम्स, दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा आपको, 5/30, कैंसिल आउट कीजिए, 5/5, तो कितना मिला ए और बी का वन डे वर्क 1/6 पार्ट। तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ए और बी कितने दिन में काम कर खत्म करेगा, ए और बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, इसको रेसिप्रोकल करने से भी नहीं जाएगा। देयरफॉर ए एंड बी टुगेदर एक साथ में कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में खत्म करेगा, 6 डेज। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कितने दिन में खत्म करेगा, 6। ठीक है, एयर भी एक साथ में अगर काम करता है तो पूरा काम ये 6 दिन में खत्म करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर प्रॉब्लम हो, नंबर 2 प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर ए दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे दो आदमी अगर एक साथ काम करे, दो आदमी अगर एक साथ में काम करे, ठीक है, इसी तरह का प्रॉब्लम थोड़ा उल्टा वाला है, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर दो आदमी एक साथ काम करे, अगर दो आदमी एक साथ काम करे तो पूरा काम खत्म करने में दोनों को 4 दिन लगता है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक आदमी काम करे, ठीक है, अगर ए और बी एक साथ काम करे तो दोनों को लगता है 4 डेज, अगर सिर्फ ए अकेला काम करे तो उसे लगता है 5 डेज, तो दूसरा आदमी अकेला काम करे तो कितना समय लगेगा वो काम खत्म करने में। देखिए, गिवन उसी वाला फॉर्मूला है यहाँ पे भी, ठीक है, उसी वाला कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा हल्के से डिफरेंट यहाँ पे है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गिवन ए एंड बी, कौन कौन, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, पीस ऑफ वर्क, कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 4 डेज, ठीक है, ए अलोन एंड यहाँ पे दिया गया, ए अलोन कंप्लीट्स द पीस ऑफ वर्क, कितना दिन में खत्म करता है, 5 दिन में खत्म करता है। यहाँ पे जैसे प्रीवियस केस में हम लोग ने किया था, ए और बी का एक साथ में 4 दिन में खत्म करता है, यहाँ पे देयरफॉर ए एंड बी का वन डे वर्क निकले, 1 डे वर्क कितना होगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/4 पार्ट, ठीक है, कितना होगा, 1 डे वर्क, ए अकेले का ए इज 1 डे वर्क कितना होगा, 1/5 पार्ट। देखिए, ये ए और बी का है, ये सिर्फ ए का है, अगर ए और बी का, ए एंड बी का, ए और बी एक साथ का वन डे वर्क में से मैं ए का वन डे वर्क निकाल दूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, तो किसका वन डे वर्क निकलेगा, बी का, देखो बी वन डे वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी का वन डे वर्क, वन डे वर्क माइनस ए का वन डे
वर्क है, ठीक है। ए प्लस बी का कितना है 1/4 है, और सिर्फ ए का कितना है 1/5 है। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन से, एलसीएम निकालिए, 5/4 20 है, 4 से 20 को 5 टाइम, 5 1/5 4 टाइम्स और 1/4, तो क्या है यहाँ पे 1/25। ये क्या है, सिर्फ बी का वन डे वर्क है 1/25। तो आप लोग, अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि बी अकेला पूरा काम खत्म करने कितना समय लगाएगा, कितना दिन लगाएगा, तो 20 डेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर टॉप में लिखा, therefore B alone completes the piece of work in कितना इसको रेशियो बोल कीजिए 20 days। तो B अकेला कंप्लीट करता है पूरा काम कितना में 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो चलिए ये भी हो गया दूसरा प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते तीसरा प्रॉब्लम की ओर। तीसरा वाला प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे लिखे रखा हूँ, वो वाला प्रॉब्लम में ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, लेकिन ये वाला केस यानी ये वाला केस टाइम एंड वर्क का नहीं, उसी वाला कंसेप्ट का आपको यूज करना है। लेकिन ये वाला कंसेप्ट यूज करके हम लोग कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पाइप एंड सिस्टम का प्रॉब्लम। क्या है पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम मतलब समझ लीजिए एक टैंक है, ठीक है। पाइप एंड टैंक का कैलकुलेशन मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो एक पाइप है, एक पाइप है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। एक टैंक है जो एक पाइप को फिल कर रहा है कितने समय में, 40 मिनट्स में। तो दूसरा पाइप है कितना समय में फिलअप कर रहा है, 20 मिनट्स में। तो दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दूं तो पूरी तरह से खाली टैंक को एक साथ खोल दूं, तो ये दो पाइप एक साथ अगर खुलता है तो खोलने के बाद कितने समय में पूरी तरह से फिलअप करेगा ये, तो वो निकालना है। जैसे कि टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है उसी तरह का है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे इन द सेम वे हमको करना है। गिवन ए फिल्स अप एंड एम्प्टी, पूरी तरह से एम्प्टी, इसलिए मैं एम्प्टी भी मेंशन कर रहा हूँ, फिल्स अप एन एम्प्टी टैंक इन 40 मिनट्स। देखो पाइप ए, ठीक है, पाइप ए, यहाँ पे मैं क्या ना भूल गया, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। नंबर 3 गिवन, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पाइप ए, देखो पाइप ए का वन डे, मतलब वन डे नहीं लिखेगा यहाँ पे, वन डे लिखना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मिनट में लिखेगा, वन मिनट का लिखते हैं। पाइप ए इज 1 मिनट वर्क, कितना है इसका, वही तो कर 1/40, 1/40, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। और दूसरा पाइप है सिमिलरली पाइप बी फिल्स अप दी एम्प्टी टैंक इन कितने समय में, 20 मिनट्स में। देयरफॉर पाइप बी 1 मिनट, मिनट का काम कितना है इसका 1/25, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यहाँ तक,
आप दोनों का पाइप ए और बी का एक मिनट का काम निकालना। नाउ पाइप ए प्लस बी वन मिनट वर्क, क्या करना है, ए का वन मिनट वर्क से बी का वन मिनट वर्क को ऐड करना है, 1/40 प्लस 1/20 ऐड करने से 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40 से 40 1 1 1 1 20 से 42 2 1 2। तो ठीक है, ये तो क्या हो गया 3/40। तो ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हम लोग लिख सकते हैं, अगर दोनों पाइप हम खोल दें तो उन दोनों को वन मिनट का वर्क है 3/45। तो ए और बी एक साथ में अगर खोल दे तो पूरा टैंक को फिलअप करने में कितना मिनट लगाएगा, तो इसको रेसिप करना है, कितना करना है 40/3। देयरफॉर ए एंड बी टुगेदर टेक्स, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देयरफॉर ए सॉरी पाइप्स ए एंड बी टुगेदर फिल्स अप द टैंक इन कितना में, इसको ऐसे प्रूव की जाए 40/3 मिनट्स में। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 40 को डिवाइड करने से 39 वन ऐड करने से 40 मिनट्स। तो ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अगर दोनों पाइप को हम एक साथ में खोल दे तो इतना समय लगेगा 13 1/3 मिनट्स। चलिए चौथा प्रॉब्लम यहाँ पे मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, जो इसी प्रॉब्लम से थोड़ा मैं एक लाइन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन को ऐड कर रहा हूँ। ये पहला वाला यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन क्या है, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 मिनट्स, एंड अगर वहाँ पे एक लीकेज है, वहाँ पे अगर लीकेज है, जिस लीकेज से टैंकी को क्या करता है, खाली करता है, और कितना समय लगाता है, वो लीकेज अगर लीकेज से पानी लीक होता है तो पूरी तरह से भरा हुआ टैंक को एम्प्टी करने में कितना समय लगाता है, 120 मिनट्स लगाता है। ठीक है, तो अगर दोनों पाइप और वो लीकेज भी वहाँ पे खुला है तो क्या होगा, टैंकी फिलअप होगा या तो खाली होता जाएगा, वो निकालना है, और समय कितना लगता है वो भी निकालना है। अगर दोनों पाइप खुला है, दोनों पाइप खुला है और वो लीकेज भी खुला है, तो लीकेज तो पानी लीक करता रहेगा और दोनों पाइप इसको भरता रहेगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, टैंक भरता जाएगा या तो एम्प्टी होता जाएगा, वो भी निकालना है, और तो कितना समय लगता है वो भी आपको निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये ठीक है, गिवन पाइप ए कैन फिल द टैंक कितना 40 मिनट्स, थोड़ा नीचे लिखा हूँ, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन कितना 20 मिनट्स, क्योंकि ये दोनों फिल कर रहा है, तो दोनों को एक साथ में निकालने वाला हूँ, जैसे कि अभी किया जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया। देयरफॉर पाइप ए वन मिनट वर्क क्या होता है,
वन बाई 45, यहाँ पे भी क्या होगा 5, बी का 1 मिनट, और क्या होगा यहाँ पे इसको इसको 1/20 पार्ट, क्योंकि ये दोनों टैंक को फिल कर रहा है, तो दोनों को एक साथ में निकालता हूँ, ठीक है, दोनों को काम एक ही। Therefore, A plus B is 1 minute work. इन दोनों का 1 मिनट वर्क क्या है, 1/40 + 1/20, एलसीएम करने से 40, 51 × 1 × 1 × 1 × 2 × 2 × 2, तो कितना हुआ यहाँ पे 3/40 पार्ट, ठीक है, 3/40 पार्ट। इसको रेसिप्रोकल करने से हम बोल सकते हैं कि ए और बी को 40/3 मिनट्स लगता है टैंक को, एम्प्टी टैंक को फिलअप करने में, एक साथ खोल लेते हैं अगर ये दोनों पाइप को हम एक साथ खोलता है तो, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तीसरा एक लीकेज है जो टैंकी को पूरी तरह से खाली कर देगा, कितने मिनट में, 120 मिनट्स में। गिवन द लीकेज, यहाँ पे क्रैक लिख के दिखाए, क्रैक कैन एम्प्टी द टैंक इन कितना 120 मिनट्स, ठीक है, 120 मिनट्स में ये क्या कर रहा है, इसको टैंक को एम्प्टी कर रहा है, तो ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो क्रैक है वो 120 मिनट में टैंक को खाली कर देगा, कर सकता है, खाली कर देगा, खाली कर सकता है। देयरफॉर द क्रैक्स ये क्रैक का नाम मान लीजिए सी, 1 मिनट क्रैक का 1 मिनट वर्क कितना होगा, इसको रेसिपी कर दीजिए 1/120 पार्ट। लेकिन हम लोग ने निकाला था ए और बी का 1 मिनट का वर्क क्या है, 3/40, इसको नीचे 120 लाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 9/120, तो ये है 1/120, तो कौन बड़ा है, ए और बी का 1 मिनट वर्क है 9/120, 3/40 मीन्स इज इक्वलेंट टू 9/120, तो 9/120 1/120 से बड़ा है, तो ए और बी का इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा यहाँ पे, दैट मीन्स फिलअप होता जाएगा, अगर तीनों को एक साथ खोल दो तो ये टैंक क्या होता जाएगा, इसका असर ज़्यादा रहेगा, ए और बी का असर फिलअप होता जाएगा क्योंकि ये कम है, ठीक है। तो हमको यही निकालना है, देयरफॉर अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का, सी एक क्रैक है, ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट वर्क क्या यहाँ पे 3/40, ये क्योंकि आपको एम्प्टी कर रहा है, इसको साइन माइनस आएगा 1/120, तो एलसीएम करने से 40 और 120 के एलसीएम से 120 हो जाएगा, 40 से 120 को 3 times 3 is 9, सो 120 से 120 1 times 1 is 1, क्या होगा 8/120 पार्ट,
ठीक है, एल बाई 120 पार्ट, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 3 8, 4 3 12, 0, 2 15 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 15 30 के ऊपर में क्या है, 1 15 पार्ट। तो डैट मीन्स ए बी एल सी अगर एक साथ में फोल्ड हुई तो टैंक फिलअप होता जाएगा, भरता जाएगा, और भरने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट, इसको रेसिपल करने से। देयरफॉर व्हेन पाइप्स ए एंड बी एंड द क्रैक सी, कभी क्रैक को आप यहाँ पे लीकेज लेके भी दिया जा सकता है। When pipes A and B and crack C are open the tank, will be full in कितने समय में, 15 minutes। तो ये था आप लोगों के लिए आंसर, कितना समय लगेगा, 15 मिनट्स। ठीक है, सो शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ठीक है, शॉर्टकट क्या होगा, देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, देखिए अगर एक आदमी एक पूरा काम कर रहा है एक्स डेज में या तो मिनट्स में, कोई भी हो डेज में, और बी काम कर रहा है तो वाई डेज में, अगर ए और बी साथ काम करें तो दोनों को कितना समय लगेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दोनों को लगेगा कितना, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई डेज, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, अगर मिनट में दिया है तो यहाँ पे भी मिनट, यहाँ पे भी मिनट, यहाँ पे भी मिनट लिख दीजिए। तो ठीक है, टैंक में भी ऐसा ही वाला केस है, अगर कोई पाइप ए फिलअप कर रहा है एक टैंक को एक्स मिनट में, दूसरा वाई मिनट्स में, अगर दोनों को एक साथ यहाँ पे खोल दूँ, ओपन कर दूँ, तो कितना लगेगा, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई मिनट। ठीक है, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई मिनट। और दूसरा वाला केस देखिए, दूसरा वाला केस में अगर ए एंड बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लगता है, एक्स डेज लगता है, सिर्फ ए को कितना समय लग रहा है, वाई डेज, तो बी को कितना समय लगेगा, बी टेक्स कितना समय लगेगा, बी को कितना लगेगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई वाई माइनस एक्स डेज लगेगा, एक्स इंटू वाई वाई माइनस एक्स, क्योंकि वाई आगे होगा एक्स पीछे होगा माइनस होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू कम है यहाँ पे, क्योंकि ये अकेला है जिसे एक्स एक्स डेज लग रहा है, एयर भी साथ में वाई डेज लग रहा है, तो जाहिर है तो वाई का वैल्यू एक्स से कम ही होगा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। सो टैंक में भी यही वाला है, अगर दोनों पाइप एक साथ में खुले तो उसी टैंक को फिलअप करने में एक्स लग रहा है और ओपन करने में वाई डेज लग रहा है, तो सिर्फ बी को कितना समय लगेगा, एक्स इंटू वाई वाई माइनस एक्स मिनट्स के लिए, अभी मिनट्स में भी दिया जा सकता है आपको, अभी आवर्स में भी दिया जा सकता है, घंटा में भी, ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको करना होगा।
चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे इन फ्यूचर हम लोग मिलते और भी मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट हो, जो आप चाहते कि जिसके बारे में आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख के छोड़ सकते हैं, जिसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।